राग बसंत। राग बसंत की उत्पत्ति पूर्वी थाट से हुई है। इसमें दोनों मध्यम अर्थात शुद्ध म और तीव्र म, ऋषभ और धैवत यानी रे और ध कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में ऋषभ और पंचम यानी रे और प ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है और संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय यद्यपि शास्त्र के अनुसार रात्रि का अंतिम प्रहर है, परंतु बसंत ऋतु में इसे किसी भी समय गाया जा सकता है। राग बसंत के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। सा गा म ध रे सा। और अब प्रस्तुत है अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। म ध रे सा रे नी ध प म ग म ग। अब प्रस्तुत है राग बसंत की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग बसंत की स्वर मालिका की स्थाई। सा अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। म द सा सा रे सा मी रे ग रे ग रे सा सा म द सा सा रे सा नी रे ग रे ग रे सा सा रे नी द प म ग रे मा
अभी आपने राग बसंत की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना, बोल है फूलों ने हंसना है सीखा। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। खुशबू के पंखों पर चढ़कर, खुशबू के पंखों पर चढ़कर, ओ बसंत बगिया में अब प्रस्तुत हैं इसी रचना में सरगम के आलाप और तान। सारे सानि द पद प म द द प म ग द म ग रे सा फूलों ने हंसना है सीखा, फूलों ने हंस अंत में इस राग की बंदिश को आइए एक बार फिर से सुनते हैं। फूलों ने हंसना है सीखा, कलियों ने सीखा।
खुशबू के पंखों पर चढ़कर, खुशबू के पंखों पर चढ़कर, ओ बसंत बगिया में आना, ओ बसंत राग रस बरसे।